नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो वह साथियों, आप सातलक जो है एक और ताज़ा इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं, क्योंकि आज जो भाई थोड़ी सी देर पहले जो हरियाणा सरकार ने एक पत्र जारी कर दिया है, जिसके अंदर जो वह बताने का काम किया गया है कि प्रत्येक बुधवार को जो भाई मीटिंग रखी जाओगी हरियाणा सरकार के मुख्य सचिवालय के अंदर। और इस मीटिंग के अंदर जो भाई जो आचार संहिता भी लग रही है, आपने ही पता होगा, क्योंकि हर तरफ से जो भाई बहुत सारी जो ऐसी चीज़ें हुए हैं जिसके लिए जो भाई अप्रूवल लेनी बहुत ज़रूरी हुआ है, और उसके अप्रूवल के लिए जो भाई ये मीटिंग रखी जाओगी ताकि कोई भी काम जो हो ना रुके हरियाणा सरकार के इस आचार संहिता के कारण। तो वह आप साथियों ने दिखाई दें सारे इन्फॉर्मेशन। तो इस प्रकार से देख लीजिए साथियों, वह विधानसभा 2024 के अभी जो भी इलेक्शन होने वाले हैं, 1 अक्टूबर को इलेक्शन होंगे और 4 अक्टूबर को उनका रिजल्ट आओगे। और आज जो भी अभी थोड़ी सी देर पहले जो है पत्र जारी करने का काम कर दिया गया है, भाई 21 अगस्त 2024 को ये लेटर जारी होया है, और हरियाणा के भाई जितने भी डिपार्टमेंट है तो सभी को लेटर जो है जल्द से जल्द जो है पहुँच जाओगा। और इसके अंदर लिखा गया है जो है कमेटी रखी जाओगी भाई 2024 के विधानसभा इलेक्शन के लिए जो कोड ऑफ कंडक्ट लग रहा है उसके अंदर जो भी यानी कि भाई कोई निर्णय है, कोई काम है, कोई अटकन ना उसको देखते हुए, तो भाई इस प्रकार से जो डिसाइड करने का काम किया गया है कि जो भाई वो कमेटी जो है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का कोई भी यानी कि भाई चीफ सेक्रेटरी के जो अंडर में रखी जाओगी, और कोई भी हरियाणा का कोई भी यानी कि प्रपोजल है उसको पूरा करने के लिए जो है मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर भाई इलेक्शन कमीशन को जो है भेजने का काम किया जाओगा। और यह जो मीटिंग है भाई स्क्रीनिंग कमेटी वेडनेसडे 11 बजे होगी भाई कमेटी रूम नंबर 4 हरियाणा सिविल सेक्रेटरीट के अंदर यह मीटिंग रखी जाओगी। प्रत्येक बुधवार को एवरी वेडनेसडे जो भाई यह मीटिंग रखी जाओगी ताकि हरियाणा के अंदर वह कोई भी काम है, कोई प्रपोजल है, कोई जैसे वह कोई परचेज डिपार्टमेंट है, कोई खरीदना है, कोई सामान लेना है, कोई कर्मचारियों से रिलेटेड है, जैसे हरियाणा कौशल निगम की बात कर लें भाई, कोई नई भर्ती का कोई नोटिफिकेशन निकालना है उसकी अप्रूवल लेनी है, जो नई भर्तियां चल रही हैं उनकी अप्रूवल लेनी है, बस जो कच्चे कर्मचारी हैं इनके लिए कोई भाई आधार परमिशन लेनी है, तो बहुत सारी ऐसी जो दिखते हुए हैं जो रुक नहीं सकती, कोई स्कीम है वह कोई रुक गई है उसका पैसा रिलीज करवाना है, तो ऐसे काम ना रुकें उसके लिए जो है मीटिंग रखी गई है। और इसके अंदर एक फैसला ज़रूर लिया गया है भाई कि अगर कोई भी निर्णय है, मान लो भाई आज जो है कुछ परचेज करना है हरियाणा के अंदर, कोई भी चीज़ सामान मंगाना है ताकि डिपार्टमेंट को बहुत ज़रूरत है उस सामान की, वो जो है काम नहीं रुक सकता, तो उसके लिए उन्होंने कहा है फुल डिटेल के साथ में जो है नोट तैयार करके प्रपोजल देना पड़ेगा बिल्कुल। अब इस काम की जो है भाई इलेक्शन तक क्यों ज़रूरत पड़ी, बस जब तक इलेक्शन यानी कि मान लो कि अभी 1 महीने में इलेक्शन है तो ऐसी क्या ज़रूरत पड़गी भाई इलेक्शन से पहले इस चीज़ की ज़रूरत है भाई, यो जो है काम करना बहुत ही ज़रूरी है, तो उस चीज़ की तरफ भी जो है ध्यान देखा जाओगा भाई। सारी फुल डिटेल के साथ में जो है पूरी पूरी जो है फाइल तैयार करी जाओगी, उसके अंदर फिर जो भाई इसके अंदर जो है निर्णय लेके आगे जो है भेजने का काम किया जाओगा, जिसके लिए अब जो भाई यानी कि आचार संहिता के अंदर अगर कोई भी काम है जो करना ज़रूरी है, अब हरियाणा सरकार की तरफ से आदेश आ चुके वो रुका नहींगा, यानी कि अपने आप जो कमेटी पे आगे जो है इसको फॉरवर्ड करने का काम करेगी, प्रत्येक बुधवार को यह मीटिंग होगी। तो आप साथ लगे जो भाई यही ताज़ा इन्फॉर्मेशन लेके आए थे भाई, आप साथेंगे अगर कोई भी कच्चा कर्मचारी है या उससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रही है तो वही इस प्रकार से कमेटी बिठा दी गई है, या कमेटी अपने आप इलेक्शन कमीशन को भेजेगी। अब मुख्यमंत्री साहब का कोई भी बहाना नहीं लगा सकेंगे वह हमारा टाइम लग गया, ये लग गया, वो हो गया, तो इसीलिए जो है कमेटी जो है सारे सारे निर्णय लेंगे। और जैसे कोई भी आप साथे लगे इन्फॉर्मेशन अलग से आवेगी भाई, तो आप साथियों के लिए हम जो भी बिल्कुल जो है सारे सारी जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको जो है शेयर करने का काम कर दिया जाओगा तुरंत आपके साथ में। आप सदन वीडियो देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।